हेलो गाइस, माय नेम इज़ जीवी सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज के सेशन में हम गाइस डिस्कस करने वाले हैं बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को आ रही फॉर्म्स के रिगार्डिंग। ठीक है, ये जो एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा गया है उसके अंदर बच्चों को हद से ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। इसके बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका था, लेकिन अभी भी मेरे को आज देखो फॉर्म की डेट जाने वाली है तब तक इतने मैसेजेस आ रहे हैं। तो वैसे तो अभी फॉर्म की डेट हो सकता है एक्सटेंड हो जाए क्योंकि हर साल एसएससी एक्सटेंड करती ही है, लेकिन यहाँ पे मुद्दा एक्सटेंशन का नहीं है, यहाँ पे मुद्दा किसी और चीज़ का है। यहाँ पे ये है कि मुझे हद से ज़्यादा बच्चे यार मैसेजेस कर रहे हैं, हद से ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं और कॉल्स आ रही हैं, इसीलिए मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ेगी। नहीं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई थी, तो ये वीडियो में मेरे को सिर्फ यही उन बच्चों को बताना चाहूँगा कि मेरे को बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर हमारी फ़ोटो ब्लर होगी सबसे बड़ी बात। ये मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ कि आप, मैंने उसमें वो बताया भी था कि फ़ोटो बिल्कुल ब्लर मत डालना, ठीक डालना। कोई बच्चा बोलता है मेरे साइन वर्टिकल हो गए, ठीक है, कई लोग बोलते हैं मेरी कैटेगरी ही अजीब, मतलब उसने पता नहीं क्या एससी भर दी क्या एसटी भर दी, मतलब कैटेगरी ही गलत भर दी। ठीक है, ये एक कॉमन मिस्टेक। अगली कॉमन मिस्टेक सुनो, कईयों को एज रिलैक्सेशन चाहिए थी। आपको पता है कि अगर आप ओबीसी के अंडर हो या एससी एसटी के अंडर हो तो 27 साल के बाद आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए होती है, तभी आप अगली पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। तो कई बच्चों ने वहाँ पे एज रिलैक्सेशन में नो भर दिया दोस्त। ठीक है, अगर ये मैं इसलिए कॉमन मिस्टेक्स बता रहा हूँ कि कोई बच्चा अगर बचा है अभी तो वो ये गलतियाँ मत करना भाई। ठीक है, बार बार बच्चे इतनी गलतियां कर रहे हैं तो इसीलिए मुझे ये वीडियो इंस्टेंटली बनानी पड़ी है। मैं सोच रहा था पहले बनाने की, लेकिन मुझे लगा कि ऑलरेडी डाली हुई है तो उसको देख के बच्चे कुछ सीख लेंगे, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत बच्चे गलतियां कर रहे हैं। तो यही एक रीज़न है कि मेरे को दोबारा ये वीडियो बनानी पड़ी है कि गाइज, और मतलब मैं क्या बोलूँ यार, इतनी ज़्यादा गलतियाँ क्यों कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए ना। अच्छा, और एक और चीज़ है कि कई बच्चे मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस करी जा रहे हैं, तो गाइज अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस कर रहे हो तो बाई चांस अब वहाँ पे दो दो एडमिट कार्ड आ गए। ठीक है, पहली बात तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो नहीं रही है, लेकिन कई लोगों की हो रही है, ये नहीं पता कि ये कैसे इनका एसएससी के सिस्टम के थ्रू हो रही है, ये नहीं समझ आ रहा। ठीक है, और जिनकी हो रही है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, तो गाइज उनसे रिक्वेस्ट है कि एक ही पेपर देने जाना, दूसरा पेपर बिल्कुल मत देने जाना, कोई भी एक पेपर देने चले जाना। ठीक है, कोई भी मतलब कि जो भी आपने करेक्ट फॉर्म भरा हुआ है। ये मल्टीपल रजिस्ट्रेशन इसलिए यूजुअली लोग कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक सेंटर से उनका गलत भरा गया, तो उन्होंने क्या किया, अपना सेंटर रीजन वगैरह चेंज करके दूसरी जगह से फॉर्म भर दिया और फिर वो सोच रहे हैं कि अब वहां पे जाएंगे पेपर देने। ठीक है, तो अगर बाई चांस आपने कुछ ऐसा कर दिया है तो आप उसी फॉर्म को, मतलब कि उसी जगह पे एडमिट कार्ड जो आएगा उस जगह का जहां पे आपने करेक्ट इंफॉर्मेशन भरी है उसी जगह पेपर देने जाना। ठीक है, गलत वाले में मत जाना, नहीं तो फिर वो कोई फायदा नहीं हुआ आपका। ठीक है, वो फॉर्म दोबारा भरने का, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ना ही करवाओ तो अच्छा है। ठीक है, चलिए ठीक है, दो आपने करवा भी ली तो आप बिल्कुल करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन वाला है उसी में जाना। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरा, कुछ लोग होते हैं वो लालच के लिए कराते हैं, तो वो एक सेपरेट इशू है। ठीक है, उनके ऊपर तो जो भी इंक्वायरी चलेगी वो एक अलग बात है। बाकी एसएससी ने भी अभी रूल्स काफ़ी कठिन कर दिए हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है पिछली वीडियो में एक में, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा कि डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारे रूल्स बना दिए हैं। ठीक है, तो कुछ भी आप गलत मत भरिएगा, ना ही कुछ गलत काम कीजिएगा, और अगर पेपर में जाते हैं तो कोई भी स्लिप कुछ भी बाहर लेके बिल्कुल मत आइएगा। ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। तो अच्छा, सॉल्यूशन पूछ रहे थे बच्चे कई कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। गाइज, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हार्ड फैक्ट ये है कि इस बात का कोई किसी के पास सॉल्यूशन नहीं, कोई यूट्यूबर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। किसी को भी फ़ोन करके या मैसेज करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सीधी सी बात ये है कि आप एसएससी के ऑफिस में कॉल कीजिए या वहाँ पर्सनली जाके पता कीजिए। अगर आपकी कोई भी गलती हो गई फॉर्म में तो कोई आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, सिर्फ एसएससी वाले कर सकते हैं, वो भी पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें ना तो मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊंगा, मतलब बड़े से बड़ा यूट्यूबर, कोई भी टीचर यूट्यूबर, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा इसमें। ठीक है, हम लोग आपको तसल्ली तो ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको सही गाइडेंस ये दे रहा हूँ कि अगर आपको हेल्प चाहिए ही है तो फिर या तो आप एसएससी को कॉल कीजिए या उनके ऑफिस में जाइए। ठीक है, वही आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आपने कुछ भी गड़बड़ की है फॉर्म में, क्योंकि वो एडिट हो ही नहीं सकता फॉर्म। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा था, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, उनको एडिटिंग करनी थी, जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो दो बार एडिट हो सकती है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को यही नहीं समझ आ रहा कि उसको कैसे एडिट करना है। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने सोचा मैं बाद में एडिट करूंगा, मैं पहले फॉर्म भर लेता हूं। उन्होंने पहले फॉर्म भर दिया, अब बाद में वो बोल रहे हैं कि सर उसको एडिट करना है। अरे भाई, तो उसको बाद में एडिट करके क्या करोगे, तुम्हें पहले एडिट करना चाहिए था, उसके बाद फॉर्म भरना चाहिए था। ठीक है, ऐसे नहीं होता है कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को मतलब बाद में एडिट कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी भरी आती है कि आपका नाम, मम्मी का नाम। कई लोगों ने मम्मी का नाम ही गलत भर दिया, भाई क्या कर रहे हो यार, मम्मी का नाम तो सही भरो कम से कम, पापा का नाम भी सही भरो, मतलब मजाक ही चल रहा है यार। ठीक है, आप बिल्कुल आप इतना भी सीरियस नहीं हो मतलब कि एसएससी के फॉर्म के लिए, मतलब तो फिर एग्जाम के लिए क्या सीरियस हो गए जब फॉर्म ही नहीं ठीक से भर रहे हो। ठीक है,
तो आप बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन भरिए, और अगर आपने अभी तक नहीं भरा तो जो अगर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में कोई भी गड़बड़ है तो उसको दो बार लाइफ टाइम में एडिट किया जा सकता है। पहले एक बार ही चेक कर लीजिए जब आप वेबसाइट खोलेंगे भरने वाली, ठीक है, जो भरने वाली होती है जहाँ पे राइट साइड में होता है रजिस्ट्रेशन, लेफ्ट साइड में होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन एडिट ऐसे लिखा होता है, ठीक है, वो जो होगा वहाँ पे आप जाके एडिट कर सकते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को। और जो राइट साइड में होगा, राइट साइड में होगा कि आप अपना लॉगिन कीजिए और फॉर्म भरिए, ठीक है, तो वहाँ जो लॉगिन करना है वो बाद में कीजिएगा राइट साइड वाले में, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो आप खुद स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, आपको लेफ्ट स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा एडिट वगैरह लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह लिखा होगा, वहाँ जाइएगा, उसको खोल के पहले जो भी आपकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है उसको चेक कीजिए, उसके बाद फॉर्म को भरिए, ठीक है। तो ये छोटी सी एडवाइस थी मेरे लिए, आप बिल्कुल चक्करों में मत फंसिए, बस SSC है जो आपकी हेल्प कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है गाइस। तो ये मेरे को बहुत इंस्टेंटली बनानी पड़ी वीडियो। चलिए ठीक है गाइस, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।